नमस्कार दोस्तों, विद्यानगर भोपाल से पंडित रामकिशोर शर्मा, आप सभी लोगों को नमस्कार। जय माता दी, जय गुरु महाराज, जय गुरु। आज का विषय कुछ ये है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, आयु अधिक होते जा रही है, ऐसी कन्याओं बालिकाओं के लिए कुछ उपाय एक दो आज गुरु महाराज माता जी की कृपा से आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसको करने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है और जो करेगा उसको यह लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में ही अर्गला स्तोत्र दिया है, उसके आपको प्रतिदिन 7 दिन तक 108 पाठ करके और आखिरी वाला एक श्लोक है, वह पत्नीम मनोरमाम देही। इस जगह पर यदि जिन बालकों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो पत्नी बोलेंगे और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो पत्नी की जगह पति का उच्चारण करेंगे और 7वें दिन हवन इत्यादि करके माता जी से अरदास लगाकर यह कार्य संपन्न करें और छोटी कन्याओं को प्रसाद वितरण करें और माता से प्रार्थना करें तो यह कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाता है। अब दूसरा उपाय आपको बहुत ही लाभकारी, आश्चर्यजनक और बहुत ही अद्भुत है, वह यह है कि एक स्तोत्र है जिसको आप मोबाइल पर या इस वीडियो के अंतर्गत आपको फोटो सहित वह दिखा दिया जाएगा, उसमें पहले विनियोग है और 1000 पाठ करने से और 108 का हवन करने से, हवन में क्या क्या सामग्री लेना ये भी आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए। गुग्गल, गाय का दूध, घी इत्यादि और शहद, यह मिलाकर हवन करना है। वह स्तोत्र आपको अभी बता देंगे। तो ये आपको करना है, उन कन्याओं को करना है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है और कुंडली ग्रह दोष के कारण, कुंडली दोष के कारण, मांगलिक होने के कारण या काल सर्व योग होने के कारण कुंडली में यह बाधा आ रही है विवाह में, तो यह उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ होगा और उन कन्याओं का विवाह उचित जगह पर होगा। ये माताजी की कृपा, गुरु महाराज की कृपा है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना काफी। जय माता दी, जय गुरु महाराज, जय महाकाली।